हाँ सब बच्चे जो है ना अभी जब पहचान लेते हैं। हाँ अब उनको पता है कि कौन कौन है। इतना चल भी नहीं सकते थे, बस ये तकलीफ थी, पता ही नहीं चला, बस ऐसे। अल्लाह पाक उनके लिए आसानियां फरमाए। अस्सलाम वालेकुम चाची आए, और मेरी सोनी चाची तेरा क्या हाल है? ठीक है, खुश बदी आमीन। अस्सलाम वालेकुम चाची, क्या हाल है? ठीक हो? तबीयत ठीक है। क्या हाल है? ठीक है खुशी, तबीयत ठीक है? हाँ दांत खराब थी तेरे? तू सलाम दुआ करना ही। अच्छा माशाल्लाह, वालेकुम। बादामों वाला गुड़ जो है ना, ये मूंगफली बादाम। मेरी गुड़िया रोने लग गई। ओए होए होए होए, रोते नहीं है आप, अच्छी बच्ची हो ना। तो जी दोस्तों, आप जो है वापसी जा रहे हैं जनाजा पढ़ के, वो है कब्रिस्तान, वो देखिए ये वाला, वो सामने कब्र है। अब सब जो है वापस जा रहे हैं, जनाजा पढ़ लिया है, भाई जान जा रहे हैं, वो सामने असलम वाले सुलेमान असलम, ये सब जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम तेरे दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, अल्लाह के फजल करम से मैं भी फिट फाट। तो जी दोस्तों, हमारा शाम वाला व्लॉग हो गया स्टार्ट इस नेक दुआ के साथ कि जो मेरे बहन भाई, जो मेरे दोस्त, जो मेरे रिश्तेदार बीमार हैं, अल्लाह पाक उन्हें शिफाए कामिल अता फरमाए, और जो लोग जिन परेशानियों में मुब्तला हैं, अल्लाह पाक उन सबकी परेशानियाँ दूर फरमाए, बे औलादों को नेक साले औलाद अता फरमाए। तो जी हमारा शाम वाला व्लॉग हो गया स्टार्ट, और मैं अभी पहुँचा हूँ, सॉरी हाँ अभी पहुँचे हैं जनाजा पढ़ के, हाँ जनाजा पढ़ के उधर से कब्रिस्तान से वापसी आए हैं, अभी वापस आ गए हैं इधर, तो घर वो है उधर से आ गए हैं, और अभी जो है हम वापसी की तैयारी बना रहे हैं वापस घर जाने की, क्योंकि अब्बू जान अकेले हैं घर में, कोई नहीं है उधर, जैसे आप लोगों को पता है। तो घर वाले भी आ चुके हैं, ये देखें यहाँ पे, यहाँ से मेल जोल रहे हैं, और वापसी का ये जो है तैयारी बनाई हुई है, और इधर भाई जान भी आए हुए। अस्सलाम वालेकुम सईद भाई, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, बच्चे सब ठीक हैं? सितरा उसके बच्चे शाहजेब को बुखार था। अच्छा अच्छा शाहजेब, अल्लाह पाक उसको भी शिफा दे। हाँ, गया था थोड़ा। हाँ, उसका तो पता था। अल्लाह पाक बस उसको भी शिफा दे। और ये लोग जो है होकर आ गए, चले फिर चले, अब कहाँ जाना, क्या है क्या तैयारी? मैं तो कहता हूँ सीधा घर चले, वो गाड़ी वाले के कॉल आ रही है, वो बोलता है गाड़ी पहुँचाओ। मौसम चला गया है, जो है ना चाय बना लें थोड़ी सी, तो हम जो है ना चाय पी लेंगे, उनको मिल लेंगे, फिर चले जाएंगे। चलो सही है, अम्मी आप भी मेला ही हो, फूफो को मेला ही हो, फूफो इधर है ना, वो इधर ही होगी। हाँ वेंदे प्यो, मेरे भतीजे वेंदे पेन, तो सामने प्यो मैं के बोलना था कि मजबूरी है। हाँ मैं के ज्यादा ना जैसा है कुआ, तो जू यति वे मैं के मैं को सब बुखार आसी, तो बाल निके निके घर खड़ी आई हूं। हाँ। सारे आए वदू अते मैं के ढेर ना जैसा वा तोड़े थी ए, तो वो जी बिल्कुल बिल्कुल या कहने पे, और मैं के सही सही। अम्मी जान का कहने का मतलब है कि मेरी फूफो को जो है ना मत बताना कि मेरा भाई, उसका भाई जो है तबीयत उसकी ख़राब है, वो बेचारी खुद अभी सदमे में है, ऊपर से भाई का पता चला कि वो बीमार है, तो वो फिर परेशान हो जाएगी, इसलिए भी उसको नहीं बताना। यहाँ पर ट्रैक्टर ट्राली वाले देखें कैसा माहौल है, और गांव का माहौल माशाल्लाह कितना प्यारा है, ये देखें सर सब्जा ही सब्जा, और सूरज वो देखें ग्रूब हो रहा है उस साइड पे, और यहाँ पे सब्जा ही सब्जा है। जी बाबा धूप निकली हुई, हाँ इधर धूप है उधर नहीं है। हाँ ओए परी, अलिशबा परी कहाँ है? हाँ कपड़े इधर देखे, गंदे कर दिए आपने, आते ही गंदे कर दिए। परी घर चलें नहीं चलें? इसने तो मुझे बैठने भी नहीं दिया, मैं जब से आया इधर पहुँचे ना, तो मैंने जो है ना जिसको गले लगाती थी ये रोने लग जाती थी। वो बच्चे है ना, बच्चे तो फिर ऐसे ही रोते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे, अल्लाह के फजल करम से हम भी माशाल्लाह ठीक है, और हमारे घर में सब ठीक हैं। बस जैसे कि बहन भाई जानते हैं, मेरे चाचू जो है ना वो फौत हो गए थे, अभी आए हैं, तो फिर इधर से जो है ना
उनका अफसोस कर लिया है, सबसे मिल लिया है, तो अब वापस जा रहे हैं। इधर रुक जाते हैं और अबू की तबीयत जैसे ख़राब है और फिर तसल्ली नहीं हो रही। हाँ, दूसरा ये है ना, फिर वे गाड़ी भी देनी है, इसका भी रेंट पड़ जाएगा फिर हमें। हाँ, मेरे बता रहे थे चाचू को भी यही मसला था, जैसे अबू को है ना, उसको भी सांस का मसला था, खांसी थी, वो भी अबू की तरह चल भी नहीं सकते थे, बस ये तकलीफ थी, पता ही नहीं चला, बस ऐसे। अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ फरमाए, आप सब ने भी दुआ करनी, अल्लाह पाक उनको जन्नत में अला मकाम अता फरमाए, आमीन सुमा आमीन। और अभी जो है ना, अब चलते हैं वापस। सीधा बेटी के घर पास होकर थोड़ी सी देर, कॉल है उसकी आ रही है, अभी भाई को बोला है मैंने, कहा वो कॉल कर रहा है, बार बार पूछ रहा है कितनी देर है, बस ही में बैठेंगे नहीं, बस ऐसे जो है ना उसके बच्चों का हाल हवाल पूछ के उससे मिल के फिर चले जाएंगे। हाँ सही है, इधर माहौल जो है गांव का देखें। हाँ फिर ये जो बेटियां होती हैं ना, गुस्सा कर जाती हैं बेटियां जो होती हैं। हाँ, और उसको पता चला गया है कि इधर आए हुए हैं, अगर ना गए ना तो फिर वो गुस्सा कर बोलेगी, इतना सफर करके मेरे घर नहीं है, थोड़ा सा आए थे फिर दो कदम मेरे घर तक नहीं आ सके। हाँ यही बात है, इसलिए फिर ठीक है जाओ, आप लेट ना करो। हाँ आप चलते हैं फिर उधर, हाँ आप भी हमारे साथ चलो ना, या आप इधर हो? हम इधर रुकते हैं। अच्छा इधर बैठ, चलो सही है फिर हम चलते हैं फिर। हाँ जी चलो फिर आओ, ये है जी गाड़ी, ये लेकर आया हूँ, ये रेंट पे, ये वाली बड़ी गाड़ी लेकर आया हूँ, क्योंकि सफ़र करना था लंबा और जल्दी पहुँचना था, वैसे वो जैसे छोटी मेहरान है वैसे तो ले आता था, लेकिन ये जो है ये बड़ी है, थोड़ा जल्दी सफ़र कर लिया पहुँच गए, वो फिर टाइम लग जाता उसका पहुँचते पहुँचते, गाड़ी का भी कोई ना पता चलता, इनका जो नहीं पता चलता, तो अब ये जो है ये जल्दी जल्दी आप पहुँचते हैं घर की तरफ जाते हैं, पहले सिद्रा के बेटी के घर, उधर से फिर जो भी होगा आप लोगों से शेयर करेंगे। और माशाल्लाह हमारे इलाके के बच्चे देखें, ये देखें बहन भाई देखेंगे माशाल्लाह कितने बच्चे हैं, ये फौत की पे आई हैं ना लेडीज़ बहुत सारी आई हैं, तो उनके बच्चे हैं बहुत माशाल्लाह, अल्लाह पाक इनकी जिंदगी, बच्चे हैं फौत की हो शादी हो सब आ जाते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चलो जी चलें फिर, पर अलिशबा चलें, चलो। तो जी दोस्तों फाइनली जो है हम पहुँच गए हैं अपनी बस्ती में, पीछे घर देख रहे होगे, ये कौन सा घर है, सिद्रा बेटी का घर। तो इधर पहुंच चुके हैं, गाड़ी मैंने वहां खड़ी कर दी है जहां अक्सर खड़ी करता हूं, इस जगह पे सामने मस्जिद है उसके साथ ही गली में, इधर खड़ी करता हूं, यहां मैंने खड़ी कर दी है, और यहां पे देखें ये सारा माहौल, यहां पर भी हमारे यहां जैसे गटरों का हाल है ना, इधर भी वही हाल है। और अभी जो है इंटर होते हैं इस घर में, और जो भी है आप लोगों से शेयर करते हैं। माशाल्लाह रौनके लग गई, रौनके। अस्सलाम वालेकुम सिद्रा बेटी, क्या हाल है? ठीक हो? खुश हो? तबीयत ठीक है? खुश हो? हाँ जी खुश। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह खुश रखे आपकी दुआएं हैं। माशाल्लाह अल्लाह पाक खुश रखे। मैं तो जा रहा था, मैंने कहा अब चले जाते हैं, छोड़ो इसको रहने दो, नहीं मिलते इसको। फिर मैं भी ऐसा करती, छोड़ो इनको, इनके घर क्या करेंगे जाके। हाँ बस हमने यही सोचा, हमने कहा क्या अब एक तो बंदा बचा हुआ है, इसको छोड़ो हम चले जाते हैं, बाकी तो मिल लिया। माशाल्लाह जी अम्मी जान भी मिल रही है, और सब जो देखें रौनके लगी हुई हैं, ये सब मिल जुल रहे हैं, फैमिलियों का यही हिसाब होता है, देखो आप कितनी खुश हो रहे हैं सब माशाल्लाह। हाँ जी आपने चाय पकाई? हाँ जी चाय पका रहे हैं अभी। क्यों खर्चा कर रहे हो? खर्चा ये कोई खर्चा तो नहीं है, ये तो नहीं। बस आम सा खर्चा ऐसी है। ऐसी बात नहीं, ये खर्चा आम सा, देखो ना आप दूध इधर है आपका दूध नहीं है तो नहीं लेने गया है, देखो ना आप ऐसे खाम सा तकलीफ उठाई आपने, नहीं ऐसी बात नहीं है। खर्चा तब जब हम खर्चा करते हैं ना आते हैं फिर खर्चा करना चाहिए, अब तो हम ऐसे देखो सलाम दुआ करने आए थे। नहीं कोई बात नहीं, हमने कहा सर्दी है चलो और तो कुछ नहीं चाहे तो पी के जाएंगे। चलो सही है माशाल्लाह। और इधर देखे चुने मुन्ने माशाल्लाह सब मिल जुल रहे हैं, बेगम जो है सबको मिल रही है, सब बच्चे जो है ना अभी पहचान लेते हैं। हाँ अब उनको पता है कि कौन कौन है, सब माशाल्लाह मिल जुल रहे हैं सब बच्चों। ओए बच्चों कहाँ जा रहे हो? मुझे मिलने आ रहे हो? ए आजा आजा माशाल्लाह, क्या नाम है आपका? शाहजेद हो? क्या कर रहे हो? कुछ हो क्या? खेल रहे हो? माशाल्लाह माशाल्लाह, आपको सर्दी लगी है? वाह जी वाह। दूसरी बीबी कहाँ गई?
बीबी इधर आ, इधर आ, इधर आ, बाद में खेलना, आ जा गला पाओ। देखो बीबी मुझे मिलने आई है, आप गला पाओ। हाँ चलो, हाँ बात छोड़ दो, बात छोड़ दो, छोड़ दो। वो रो रही है, रोने वाली थी, अभी इसको झिप्पियाँ लगा रही थी ना। यहाँ पे सब मिलजुल रहे हैं और यहाँ की जो बातें हैं वो ये करके दिखाएंगे। और मोहसिन साहब इधर खड़े हुए हैं, पहले भी मिले हैं। अस्सलाम वालेकुम, दोबारा वीडियो में साहब बहन भाइयों को भी दिखा दें कि मोहसिन को मिल लिया है मैंने। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। और ठीक हो, खुश हो, तबीयत ठीक है? बिल्कुल ठीक। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। आमीन। हमारी दुआ है चिट्टे बाबे दाढ़ी वाले की। आपकी दुआ तो चाहिए बस। हाँ हमारी दुआएं साथ हैं माशाल्लाह। इधर देखें साहब अपना जो है माहौल बना रहे हैं, और मैं आप लोगों को अपना माहौल दिखाता हूँ जो मुझे बहुत पसंद है। ये देखें मेरी काले सेराली भै, ओ क्या है इसका नाम, भेड़, भेड़, ओ भेड़, सरेकी में भेड़ बोलते हैं, उर्दू में भेड़ बोलते हैं। और इनके जो है ना ये देखें माशाल्लाह, ऐसा इन्होंने ना इनके चुन्ने मुन्ने कहाँ गए, पिछली बार जो दिखाया था वो माशाल्लाह पता नहीं कहाँ गया। हाँ क्या हाल है, ठीक है ही, खुशी, तबीयत ठीक है? हाँ दांत ख़राब थी तेरे, तो सलाम दुआ करना ही। अच्छा माशाल्लाह, वालेकुम सलाम, जुलो हूँ बनो, शाबाश। हाँ ये अच्छी है, सलाम दुआ करती है, वो वाली सलाम दुआ करती है, ये भी। हाँ तू आ, इधर आ, इधर आ, कहने हम दा ना, वाह ये नहीं आता, कहता है मैं नहीं आता। बाकी जो है इधर बस खाना खा रहे हैं अपना, ये क्या खा रहे हैं, भूसा खा रहे हैं, भूसा, तूड़ी, तूड़ी जिसको बोलते हैं पंजाबी में तूड़ी, हम बोलते हैं भों, और बाकी जो है कोई भूसा बोलते हैं कोई कुछ। सबको सलाम दुआ, सबको खुश रहो, आबाद रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। हाँ बाय बाय, बनो ठीक है। इनकी बातें ये मज़े के होते हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ये जो है ना ये वाले, और ये जो है ना ये इसके साउंड होते हैं ना, अजीब सा साउंड करते हैं, मज़ेदार। मुझे ये सब बहुत पसंद है, क्योंकि ये देखें यहाँ पर तो अपना माहौल बना हुआ है। मैं अपनी अपने रिश्तेदारों से मिल रहा हूँ। मैं अपने रिश्तेदारों से मिल रहा हूँ ना, मैंने कहा आप अपनों से मिलो, मैं अपने रिश्तेदारों से मिल रहा हूँ। ये सब मेरे सलाम दुआ करने आए थे, मेरी वीडियो देखना, जैसे मैं गया मैंने सलाम किया, वो आ गए मिलने, मैंने सर पे हाथ रखा फिर चले गए। हाँ देख लो उनको, मेरे रिश्तेदार ये है ना, आप लोग उनके रिश्तेदार हो। वे आ वे के हाल है मुड़े, ठीक है ही, खुश ही। ये क्या आपने आप से बड़ी जर्सी पहनी है, कहाँ गए थे? बकरियों पर स्कूल नहीं जाते, जाते थे अभी वो नाना फोट हुआ ना, हाँ। अभी हम अच्छा अच्छा, तो स्कूल भी जाते हो, बकरियां भी चराते हो, सही सही। यहाँ स्कूल दिल लगा के पढ़ना है, फिर ऐसा मौका ही ना मिले कि बकरियां चराने का, बड़े अफसर बन जाओगे फिर, ठीक है? पढ़ाई करनी है आपने, गाड़ी के पास जाना पड़ेगा। क्यों? चार्जर पड़ा हुआ है, वो कुछ नहीं बजाना है मेरा, तो मोबाइल भी बैटरी। सही सही, चलो मैं लॉक खोल देता हूँ, इधर से मैं बटन दबा के लॉक खोल देता हूँ। इधर से कैसे? इधर से हो जाएगा, इतनी दूर नहीं होती रहेंगे, मैं दरवाजे के ऊपर खड़ा होऊंगा, इधर दरवाजे के सामने, वो फिर हो जाएगा। हाँ चलो ट्राई करते हैं, ये भी देख लेते हैं, चलो। माशाल्लाह माशाल्लाह, इनकी आपने देखो, ये बच्चों का ये तो खेल होता है ना, कीचड़ में खेलने वाले बच्चे, गंदे बच्चे, कीचड़ में खेलने वाले। वे अवैस क्या हाल है आपका, ठीक हो, खुश हो, आपके पैर ठीक हो गए, गुड हो गया, वेरी गुड। आप भी कासिम, क्या हाल है, ठीक है, खुश ही, तबीयत ठीक है, माशाल्लाह, गुड, वेरी गुड। मैं अभी ना लॉक खोल के आया, अभी जो है लॉक खोलते हैं उधर से, ये देखिए भाई क्या हुआ है। हाँ जी अभी से इधर ट्राई करते हैं, वो देखें ये इधर बटन कहाँ है, ये है, खोल गया, बोला था खोल जाएगा, लॉक खोल गया जी। इधर से ये रिमोट ही काम कहाँ गया, ये है लॉक, बंद, खोल जाता है। ये सर्दियों की आग है सबके धीमा, सर्दियों की आग का मजा ही कुछ हो रहा है, धुआं होता, धुआं होता है, लेकिन ये धुआं भी बड़ा जबरदस्त होता है। देखो शाहजेब सरदार, ओ सरदार क्या हाल है आपका, ठीक हो? वाह जी वाह, क्या बात है, आप तो हीरो हो, हीरो हीरो हो ना,
कहता है नहीं मैं हीरो नहीं हूँ। चलो आपका बाबा हीरो है। हाँ बस ठीक है। हाँ बाबे वैसे भी जो बाप होता है वो वैसे भी बच्चों का हीरो होता है। और इधर आग जल चुकी है और यहाँ रिश्तेदार बैठे हुए हैं, रिश्तेदारों के पास रिश्तेदार भी बैठे हुए हैं, मिसाला भी बैठा हुआ है और यहाँ पर दूध आ गया है माशाल्लाह। अब बनेगी चाय और हम पियेंगे जबरदस्त चाय गरम गरम। ये खास रिश्तेदार हैं यार। ये सालन वैसे इसका मजे का होता है, आलू रोज खाते हैं, ये बहुत अच्छे होते हैं। सही सही माशाल्लाह जी। अब चाय पीते हैं फिर देखते हैं, जल्दी करते हैं जितनी जल्दी हो सके ताकि हम फिर वापस जाएं। क्या बोल रहे हो? आशम को बुला रहा हूँ। अच्छा ये मुझसे रह गई थी सलाम दुआ करने के लिए, ये मुझे बुला रही है, वो चली गई। हाँ आप देख रहे हो ना, आ जाओ। नहीं नहीं जी, अब सब खाने में गुस्से हुए पड़े हैं, ये देखें। ओए मरियम, मरियम क्या हाल है? ठीक है, खुश है? उतरी जालिम ठंडे हाथ, आप ठंडे हाथ क्यों किए हुए हैं? देखो आप बड़ी हो गई हो, अपने कपड़े फिर भी गंदे रखती हो। अम्मी को कहती हूँ नहाए, फिर धूप नहीं आती इसलिए नहाती। नहीं धूप होती है, आप ऐसे बोलती हो, अपनी अम्मी पे इल्जाम लगाती हो। नहीं। हाँ हाँ देखो आपके कपड़े कितना गंदे हो गए हैं, ऐसे गंदे फिर बीमारी लग जाएगी आपको। आप ना साफ सुथरा रहा करो, फिर स्कूल जाया करो, ठीक है? हाँ बाबा साफ है। हाँ आपके साफ है, मरियम को बोल रहा हूँ, आपको नहीं बोल रहा। माशाल्लाह जी, इधर भी संभाल लिया आप किचन को। हाँ जी। वो जो मेहमान थे वो कहाँ गए? आई नहीं, घर वाले चले गए। घर वालों को भगा दिया, घर वाले चले गए, मैं बैठ गई हूँ। वाह जी वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह जी, चाय खुद बना रहे हैं और शक्कर वाली। क्या बात है, शक्कर वाली वही बार बार पूछ रही है, ये वाकई शक्कर है या कोई और? शक्कर वाली हम आज पी रहे हैं चाय, शक्कर वाली। माशाल्लाह जी, इधर जो है किचन इसने संभाल लिया है, अब चाय खुद बनाएगी। पिछली बार आप नहीं आए थे मेरे ख्याल, वो मरियम दहेद आए हुए थे और मेरे ससुर जी आए हुए थे। हाँ। किचन इन्होंने संभाल लिया था। हाँ, जैसे ही आए हम शक्कर ले आए। हाँ। पूरे जितने दिन रहे शक्कर वाली चाय पिलाई है सुबह शाम। सही सही, बस फिर वही शक्कर अभी तक इस्तेमाल हो रही है। हाँ, देखो खत्म नहीं होने दिया, हम पहले आ गए। अगली बार फिर आएंगे फिर खत्म हो जाएगी। चलो जी, इधर जो है पता ही क्या। हाँ। वो दुआ बीबी सो रही थी जब हम आए। हाँ। तो उसके बाद जो है ना, फिर सिद्रा बेटी बना रही थी चाय। हाँ। तो वो रो रही थी, उसको सिस्टर ने भी उठाया, मैंने भी उठाया, बहुत कोशिश की लेकिन वो चुप नहीं हो रही थी। सही। तो मैंने बोला सिद्रा को आप उसको दूध पिला दो। सही। मैं आपकी जो चाय है। वैसे एक बात कहूँ, कच्चे किचन में आप अच्छी नजर आ रही हो। हाँ फिर हम ऊपर अपना कच्चे नहीं, नीचे ऊपर तो भाभी रहती है, वो उसकी मर्जी, ऊपर कच्चा किचन बनाए ऐसे ना, ऊपर छत पे हम नीचे किचन बना दें फिर ऐसा कच्चा नहीं, वो फिर माहौल नहीं बनेगा। जब बारिश आएगी ना सारा रिबन हो जाएगा, गारा ना सहन पे जो वो क्या लगा हुआ है मार्बल, फिर सारा गारा गारा होगा। हाँ ये बात है। वैसे ऐसा करेंगे ना, ये नहीं नहीं बस रहने दो, आगे नहीं जाओ, बस इतना ही काफी है, नहीं तो बहन भाई बोलेंगे आप बना दो फिर किचन। ऊपर नहीं बनाते, ऊपर वाली मिट्टी भी नीचे आ जाए, वो आपका किचन सारा हमारे सर पे होगा फिर। हाँ जी, मैं कह रही थी कि अल्लाह पाक फुर्सत देगा इंशाल्लाह, घर का कर्जा उतार लेंगे हम भी, कच्चे मतलब कच्चे माहौल के लिए ना थोड़ा सा प्लाट खरीद लेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, फिर ना उसमें कच्चा माहौल बनाएंगे, फिर जाके ना उधर खाना वाना बनाया। अच्छा सब अहमद को देख रही हो? नहीं नहीं, हाँ हाँ नहीं। उनकी बात कर रही हो? सब अहमद को नहीं देख रही। हाँ। जो भी है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा जैसा भी अल्हम्दुलिल्लाह, बस ठीक है छोड़ो इस बात को, आगे जो होगा देखा जाएगा, जिंदगी का कोई पता नहीं। आज देखा मामा, आप देखो ना, बात सुनो बात सुनो, मैंने मजाक की, ओ सही मैंने गलती कर ली, बात गलती कर ली। अच्छा एक सिस्टर बोल रही थी कि सलमा के सामने बोलना कि कपड़े जो है इस्त्री मैं करूंगा, मैं जी वो जो इस्त्री कपड़े नहीं हो रहे वो मैं अपने खुद इस्त्री करूंगा, ठीक है? नहीं नहीं आप क्यों करेंगे? बात सिस्टर आप सुन रही हो क्या बोल रही है? वालेकुम सलाम जी, आया नू मेरा सोना शहजादा, क्या हाल है? ठीक वदी अच्छा वाला रत्ते रत्ते था वदो जी हां, माशाल्लाह माशाल्लाह, केना खून पीती हम दो जनाने वाले कलर पहने। नहीं कपड़े जैसे भी हो कपड़े होते हैं। हां जी वेरी गुड वेरी गुड। और हाल वाल ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। मजे लगे हुए हैं? सर्दी लगी हुई है? सर्दी तो जोर की लगी हुई है अभी मोटरसाइकिल पे, इसका मतलब मैं जल्दी घर जाऊं वापस, इधर सर्दी बहुत है।
चाय पक गई। जल्दी जल्दी क्यों जाना है? घर चले जाते हैं ना, क्यों? सर्दी है, देखो ना हमारे अंदर से धुएं निकल रहे हैं। चलो जी यहाँ पर होते हैं माहौल, फिर आप लोगों से शेयर करते हैं बाकी की। मेरी चाची जो है ये काम सुनती है, मैं चाहे बोल रहा हूँ उसको नहीं पता। ओ देख लिया, अस्सलाम वालेकुम चाची आए, और मेरी सोनी चाची तेरा क्या हाल है? ठीक है, खुशबदी आमीन आमीन आमीन। ठीक हो? तबीयत ठीक है? ठीक है। और ढट्टी हाँ मैं तो सब ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, सब सारे ठीक है। ओ सब ठीक है ना? ठीक है, मैं ठीक है, खुश ही, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, आमीन आमीन। चाची जो है देखें इस हालत में भी ये देखें लगी हुई है, बुजुर्ग लोग माशाल्लाह इनके काम ही अपने अपने होते हैं। और मेरी दूसरी चाची आ गई, अस्सलाम वालेकुम चाची, क्या हाल है? ठीक हो? तबीयत ठीक है? तबीयत ठीक है। अल्लाह पाक, अल्लाह पाक शिफा दे आपको, अल्लाह पाक करम करे आप पे। बैठो आप, बैठो इधर बैठो। ये है जी मेरी बड़ी चाची, मेरे बड़े चाचे की घर वाली ये है, और ये मेरी छोटे चाचे की घर वाली है। दोनों बुजुर्ग हैं, दोनों के घर वाले फौत हो चुके हैं, और ये दो हैं। अल्लाह 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 करम करे से, अल्लाह करम करे से, परेशान नहीं थी मना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आमीन आमीन, बिल्कुल बिल्कुल आमीन। ये जी ये है मेरी बड़ी चाची सबा अहमद वालों की नानी, अहमद की सगी नानी है ये, और वो जो है वो दादी है इरफान वालों की, दर्जी इरफान उसकी दादी है। तो ये बुज़ुर्ग हमारे इस घर पूरे बेड़े में ना ये दो बुज़ुर्ग बैठे हैं, बाकी जो हमारे चाचे थे वो फौत हो चुके हैं, जैसे कई बार आप लोगों को बताया है, और मतलब मेरे अब्बू के भाई, बस ये हमारे समझो के चार बुज़ुर्ग हैं, दो चाचियाँ एक अम्मी और एक अब्बू, बाकी हमारे बुज़ुर्ग फौत हो गए हैं जी। कितने आयो? कारते आए से। कारते आयो? जी हां। जिया जिया हूँ वाला घर वेनू, और गाड़ी देवनी है उन्हें को वापस। मैं वाला सवेरे नौकरी ते वैसा ना, आही वजह तो वाला मेरे को छुट्टी का नहीं मिलती। हाँ सर्दी सर्दी बहुत है, चाची कहती है किस टाइम पहुँचोगे, इतनी तो सर्दी है। पहुँच जाएंगे, बस आप दुआ करना, तुसा दुआ करी जो पुज वैसू इंशाल्लाह। दुआ तो सारी अठे बे रहे। हाँ बस दुआ ढेगे सारे वास्ते। जिया जिया अल्लाह से यहाँ खैर कर, आमीन आमीन, सबको कई दुख ना दिखला, आमीन आमीन, बच्चे दी खैर अल्लाह, हमें भतरी जे बने जे दी खैर अल्लाह, आमीन आमीन आमीन। माशाल्लाह जी चाय का प्याला आ चुका है, हाजिर हो चुका है, और जिसने पीनी हो वो आ सकता है। और एक सिस्टर बोले कि अपनी पूरी कर लो, फिर यहाँ देखें यहाँ पूरा पतीला पड़ा है, नो टेंशन, इस बार कमी नहीं है, चाय बहुत है, आपने पीनी है तो आ सकते हो, चाय पी सकते हो गर्मा गर्म, और शक्कर वाली चाय, सुभान अल्लाह क्या बात है। और ये देखो ये खुद भी पी रही है, मैं भी पी रही हूं। और दुआ जो है दुआएं मांग रही है, दुआ जी, ये नहीं अभी अभी वो इस दुनिया की नई बातें सुनती, अपनी दुनिया में मस्त है। ख्याल करना ढिग ना पोवे, ख्याल करना मरियम, मैं पैरो पैरो। चलो जी चाय पीते हैं, फिर इनको ना जल्दी जल्दी बोलता हूँ कि चले, फिर ये ना लेट करवा देंगे फिर मुझे। तो जी दोस्तों फाइनली जो है वापस आ चुके हैं गाड़ी के पास, अयान साहब भी आ चुका है, मैं भी आ चुका हूँ, बाकी वो देखें वो आ रहे हैं, और धुंध जो है वो पड़ रही है, ये लोग आ रहे हैं, और धुंध देखें यहाँ पे, ये धुंध पड़ रही है। अपना गांव मेरा गांव, सूरज ग़ुरूब हो चुका है, अब जो है हम निकल रहे हैं वापसी घर की तरफ, रवाना हो रहे हैं, और मौसम वो देखें वो आ रहे हैं, ये सब आ रहे हैं, और चलते हैं फिर, बच्चे सब इकट्ठा हो जाते हैं देखने के लिए। आ जाओ जल्दी करो, तो जी माशाल्लाह से फैमिली जो है सब बैठ चुके हैं, ये देखें सब रेडी हैं, चलें फिर। हाँ जी यहाँ पर सब बैठ गए हैं, अब निकलते हैं घर की तरफ इंशाल्लाह, रास्ते में जो भी माहौल है वो भी आप लोगों से शेयर करेंगे, और वापसी अब जाते हैं, अल्लाह खैर। तो जी दोस्तों इधर से ले लिया है शक्कर, और ये देखें बादामों वाला गुड़, गुड़ जो है ना ये मूँगफली बादाम गरी इसमें है, ये ले लिए हैं दो शक्कर,
शक्कर का और एक बादाम का। चनीकोट शहर, गाड़ी यहाँ पर रुकी हुई है और साफ पत्थर बैठे हुए हैं। चनीकोट चौक दोस्तों, आप देखें इस जगह पे मैं कैसे गाड़ी चलाऊं, मुझे तो रोड ही नज़र नहीं आ रही। ये देखें पता नहीं रोड कहाँ पे है। हाँ अभी इधर जगह, इस जगह पे साफ है, इस जगह पे साफ है। ऐसी ऐसी जगह आ जाती है जहाँ मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होता, दिखाई भी नहीं देता। आप देखें कुछ नहीं नज़र आ रहा, रोड पे हूँ या कहीं और हूँ। मुझे 2 घंटे लगातार हो गए हैं ऐसी धुंध में इशारा लगा के। मेरे पीछे बेचारे वो देखो, ये 2 कारों वाले ना, ये मेरे आसरे पे आ रहे हैं पीछे, अल्लाह के आसरे पे आ रहे हैं। आप मेरी गाड़ी के पीछे रखा हुआ है कि जो भी नज़र नहीं आता मुझे, मैं तो चला रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता, फिर वो मेरे पीछे बैठे हुए देख रहे हैं कि हाँ इसकी गाड़ी को ही फॉलो करना है। साहब मेरी गाड़ी को फॉलो कर रहे हैं और मैं औरों की। अब देखें धुंध यहाँ पे, ये जबकि शहर है लियाकतपुर, पीछे गांव में तो इतनी धुंध थी मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। और पीछे वाले इतने डरे हुए हैं ना, कहते हैं कि आज घर पहुँच जाए। तो जी दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हम घर पहुँच चुके हैं। वालेकुम सलाम, जल्दी जल्दी सलाम करें। वालेकुम सलाम। हाँ मैं पहले आ, नहीं मैं तो गया ही नहीं था उधर, मैं उधर गया ही नहीं था, सर्दी लग गई है। अबू जान से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम अबू जान, क्या हाल हाल है? ठीक हो? सुनाओ तबीयत ओके है? ओके माशाल्लाह माशाल्लाह, खुश रहो आबाद रहो, अल्लाह पाक खुश रखे। और मेरी जवेरिया देखो, रूठी हुई है, ओए रूठे सरकार, बेटे बेटे आप रूठे हुए हो, वे रूठे हुए हो, नहीं रूठना नहीं चाहिए, आप अच्छी बच्ची हो ना। देखो हम कहाँ गए थे हॉकी पे, बस आ गए ना आपकी खातर। ओए आप रो रही हो, ओए हाय ओए हाय, मेरी गुड़िया रोने लग गई। ओए होए होए होए, रोते नहीं है आप, अच्छी बच्ची हो ना, रोते नहीं। हम देखो वापस आ गए ना आपकी खातर, हम इसलिए तो गए थे कि शाम को वापस आ रहे थे, हम नहीं रुक जाते, लेकिन हम नहीं रुके क्योंकि हमें पता था जवेरिया हमारे पास है। और इनके देखो काम, आते ही गोड़ पे लड़ पड़े। ये रखो रखो इसको रखो, और टीवी उधर चली हुई है अबू के, इसको रखो वो बांटेंगे फिर, अभी ऐसे नहीं खाते, अच्छे बच्चे ऐसा नहीं करते। अभी जो है माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह वापस आ गए, और अबू जान अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है। और बाकी जो रूटीन है वो भी देखते हैं क्योंकि भूख लगी हुई है बहुत ज़ोर की। आप लोग यकीन नहीं करोगे, मैं सुबह कुछ भी नहीं खा के गया था, जब इधर से गाड़ी मुझे बोला बेगम ने मुझे कुछ नाश्ता भी नहीं दिया था, बोली बस जल्दी निकलो। मैंने आपको बोला था कि आप नाश्ता कर लो, आपने बोला लेट हो जाएगा। हाँ तो अगर मैं नाश्ता करने लग जाता ना तो तकरीबन आधा घंटा और भी लेट हो जाता, उधर फिर लेट हो जाते ना। क्या तो करें? अब भूख लगी है आप दोनों को? भूख तो सबको लगी है, उबासियां दे रहे हैं फिर। वो ना रोटी तो बना लेंगे लेकिन हाँ। वो सालन दाल पका लो जल्दी पक जाएगी, दाल पका लो अभी। हाँ पक जाएगी जल्दी, टाइम देखा है आपने? मेरी जेब खाली हो गई है अभी, कोई फुर्सत नहीं मेरे पास, आपकी मेहरबानी आप गुजारा करो। ये अभी तेज की में भी दाल थी, रात जो बनाई थी ये देखो। चलो फिर दाल पका लो, कोई बात नहीं। आलू पड़े हैं? नहीं तो कुछ भी नहीं पड़ा सिर्फ, चलो दाल पका लो जल्दी जल्दी से ना, थोड़ी सी है उसको पका लो। तो जी दाल हमारी गली नहीं और दाल हमारे पास है नहीं, सुबह से कुछ नहीं खा के गया, नाश्ता भी नहीं करके गया। उधर मतलब जहाँ फौत की उधर किसी ने एक, मेरे ख्याल फौत की वालों की थी या किसी ने एक देख पकवाई थी चावलों की, उधर से मैंने इतने से चावल खाए थोड़े से, क्योंकि मेरी फिर गाड़ी ड्राइव करता ना आना जाना, फिर बैठने वाला मेरी कमर में दर्द होता है फिर, इसलिए फिर मैंने ना चावल भी इतने से खाए। और अभी देखते हैं, भूख से ना बिल्कुल निढाल हो गया हूँ, बहुत भूख लगी हुई है। हालत देखो मेरी, ना मुझे नहाने दिया ना कुछ, ऐसे जैसे बैठा था बस चल पड़। और यहाँ चुनिया मुनिया अपने दूध के लिए टीटा टीटा टीटा, जाने देगी मेरे को तो मैं कुछ बनाऊंगी। अच्छा इसको जाने दो, अपनी अम्मा को जाने दो, फिर वो पकाएगी आपके लिए चाय चाय दूध। रो नहीं मेरे सोने मुने, देती हूं, मैं पता है आपको
इधर अचानक जो है ना हमें ऐसी खबर मिली तो हम परेशान हो गए चले गए। और इनका दूध जो है ना सुबह से सुबह की ना दूध के बगैर यही बात है, पूरा दिन गुजारा है। चलो फिर जल्दी करो, जल्दी करो, बातों को छोड़ो, पास इनको पहले करो, छोड़ो इन बातें पर। चलो जी है, अब कोई देखते हैं माहौल, उसके बाद फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो जी दोस्तों, हमारी चाय जो है रेडी हो चुकी है, और स्पेशल चाय, पानी मार के चाय, पत्ती मार के चाय, स्पेशल चाय। बनाने वाले की शक्ल देख ले, ये चाय बनाता है और चाय ऐसी बनाता है। मैंने नहीं बनाई। किसने बनाई? जिसने बनाई मैं उसकी शक्ल दिखाऊं। मैंने बनाई है? हाँ जी। सच्ची? हाँ जी, हाँ जी मैंने बनाई है। घुमाओ, इसने जैसे कुछ किया ही ना हो। कुछ नहीं किया सच में, सारे काम जो है ना आज अल्ताफ सर ने किए हैं। मैंने सिर्फ आटा गूंदा है और बाकी किस काम ने, किसने काम? रोटी इसने बनाई है। हाँ। सब्जी इसने बनाई है। हाँ। चाय भी इसने बनाई है। अच्छा, हाँ जी, चलो शुक्रिया आपका, शुक्रिया आपका। हाँ। मैं अभी जो है ना बस चाय, अल्हम्दुलिल्लाह जी, खाना वगैरह खा लिया है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, पेट फुल हो गया है। सुबह का नहीं खाया था, अभी जो खाया है मज़ा आ गया। भूखे को क्या होती है, भूखे को मिल जाए रोटी तो फीलिंग क्या होती है, वो वाला आज मेरा हिसाब था। तो अल्हम्दुलिल्लाह खाना खा लिया है और चाय भी जो है रेडी हो चुकी है। और चाय जो है हमारी चाय देखें आप लोग, यहाँ ऐसी चाय होती नहीं होगी क्योंकि हम पानी वाली चाय बनाते हैं। चलो चाय हमारी रेडी हो चुकी है, चाय पीते हैं और वीडियो का भी यहीं पर एंड करते हैं। और हमारे नन्हे मुन्ने माशाल्लाह खाना देखो खाना खा रहे हैं, तो वीडियो का भी यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और मेरे मामू जान के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़। हाँ जी, हमारे चाचू जान के लिए साथ में दुआ करनी है। और बाकी जो है ना, हम उधर कुछ बहन भाई ये भी बोलेंगे कि आप लोग गए दिन को फिर वापस आ गए, इसकी वजह ये थी। उनके बोलने से पहले हम जो है ना बता दें, क्योंकि उधर वो बहुत गरीब हैं, उनके मतलब के इतनी ठंड है, काफी ठंड है और जगह तो नहीं है, जगह भी नहीं है, ऊपर से जो है ना इतना खर्चा, फिर साहब को हाँ। है वहाँ पर देखिए, मेरा चाचू इतना बीमार था, उनके पास इलाज के भी पैसे नहीं थे। तो फिर इस वजह से जो है ना हमने बस दिन को गए और उसके लिए दुआ की, और जो है ना जितना हमसे हुआ मतलब के हमने वो किया, और बाकी जो है ना हम वापस आ गए क्योंकि अबू जान भी की तबीयत भी ठीक नहीं थी और हमारे सारे घर वाले गए हुए थे इधर, सिर्फ बच्चे और बच्चे भी अकेले थे और ये भी बेचारे सुबह से भूखे थे। तो अभी अभी आए हैं, खाना बनाया है पहले और सबको खिलाया है, अभी चाय देते हैं और वीडियो का एंड करते हैं। बाय, अल्लाह हाफिज़।